के चैप्टर 257 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस वाले चैप्टर के अंदर सुकुना कैसन कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। बिकॉज चैप्टर की स्टार्टिंग से एंड तक यूजी ने बस सुकुना को पेलता रहा और पेलता ही गया। बस गेस करो तुम लेटेस्ट चैप्टर के अंदर यूजी ने सुकुना के ऊपर कितने सारे ब्लैक फ्लैशेस मारे, 1, 2, 4। ना भाई ना, यूजी हिट 7 फ्रीकिंग ब्लैक फ्लैशेस ऑन सुकुना इन सिंगल चैप्टर। तुम समझ रहे हो, एक चैप्टर के अंदर 7 ब्लैक फ्लैशेस ऑन सुकुना। भाई मांगा एक हफ्ते के ब्रेक पे क्या चला गया, पूरा सिनारियो चेंज हो गया। ये बस चेंज नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि सुकुना खत्म। अभी यहाँ से सुकुना उठने का कोई चांस नहीं है ब्रो। अभी ये सिनारियो देखने के बाद ये फिक्स्ड है, गेगे और सुकुना का रिश्ता खत्म हो चुका है, ये ब्रेकअप डन है भाई। और अगर तुम इतने में सरप्राइज हो रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू भाई, यूजी इटादोरी हैज सरपास्ड ह्यूमन सुकुना इन द चैप्टर। यस, चैप्टर के अंदर क्लियरली मेंशन है यूजी बिकम्स इक्वल टू द किंग एंड सरपास्ड हिम। चलो भाई, फाइनल यूजी इज गेटिंग व्हाट ही एक्चुअली डिजर्व्स एंड विलन को विलन वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे मैंने बोल के रखा है, इट्स अ फ्रीकिंग शो ऑन एनीमे, राइट। और इन सबके साथ साथ सुकुना का बैक स्टोरी रिवील हो चुका है, जो मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बता के रखा था वही सच हो चुका है। तो चलो पूरे स्पॉइलर के बारे में हम लोग बात करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर तुम लोग लाइक बटन दबा रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 8 लाख सब्सक्राइबर्स के। ये चैप्टर स्टार्ट होती है एक छोटी मोटी फ्लैशबैक से, जहां पर हम लोग देखते हैं सुकुना एंड उराव में मिलकर यूजी के बारे में बात कर रहा है। हम लोग देखते हैं उराव में सुकुना को पूछता है एक्चुअली में यूजी यहाँ पर है कौन, बिकॉज यूजी के पास से अनएक्सप्लेनेबल पावर जस्ट फ्रॉम द रेसिडुअल कर्स्ड एनर्जी दैट सुकुना लेफ्ट हिम इन बिफोर सेपरेटिंग। आगे सुकुना फाइनली रिवील करता है सुकुना का एक जुड़वा भाई था जिसको सुकुना ने अपने माँ के पेट में ही खा लिया था, सो दैट सुकुना वोंट स्टर्ब टू डेथ। और सुकुना अपने ट्विन को खाने के बाद जो सोल है ना, वो सोल चला गया था केंजगू के पास, और उससे केंजगू ने बनाया यूजी टैटोरी को। यहाँ पर फाइनली क्लियर हो जाती है ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन सुकुना एंड यूजी टैटोरी। ट्रस्ट मी भाई, ये बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिकॉज इसको मैंने बहुत टाइम पहले बता के रखा। मैंने बस एक नॉर्मल प्रेडिक्शन किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। लो भाई, यहाँ पर ऐसा ही हो गया। आई डोंट नो गेगे का ये कैसा राइटिंग स्टाइल है कि कुछ ज्यादा ही सिंपल चीजें लिख देता है। और एक फाइनल विलन लाइक सुकुना का बैक स्टोरी थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में दिखा दिया। एज आई ऑलरेडी सेड, गेगे इज नॉट गुड विद द बैक स्टोरीज भाई, ट्रस्ट मी, ही इज नॉट। आगे हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि यूजी इज द रीइंकार्नेटेड ट्विन व्हिच सुकुना हैड किल्ड व्हेन दे वर इन देयर मदर्स वॉम। तो सुकुना एंड यूजी टैटोरी दोनों आपस में है भाई भाई, दैट इज प्रेडिक्टेबल, राइट। आगे फिर उराव में सोचने लगते हैं कि यूजी के पास सेम इननेट पोटेंशियल है जो सुकुना के पास है। और इन सब के बाद हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, यूजी वर्सेस सुकुना फाइट चलता रहता है, और हम लोग सडनली देखते हैं यूजी ने 2 ब्लैक फ्लैश ऑलरेडी हिट कर लिया सुकुना को। मतलब प्रेजेंट टाइम में आने के साथ साथ यूजी ने 2 ब्लैक फ्लैश हिट कर लिया भाई, मतलब एक सेकंड के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आगे यूजी सुकुना को पंच कर रहा था, पिलर को स्लाइस कर रहा था, फिर उसको फेंक के मार रहा था सुकुना के ऊपर। आगे नैरेटर एक्सप्लेन करता है यूजी टैटोरी के अंदर 2 कर्स्ट टेक्निक्स है, एक है ब्लड मैनिपुलेशन जो डेड पेंडिंग्स खाने के बाद हुआ, और नंबर 2 के लिए तुम रेडी नहीं हो, बट या नंबर 2 इज सुकुना कर्स्ट टेक्निक मिजोशी श्राइन। लग गई ना सुकुना फैंस, सच्ची बता भाई, मतलब पूरी चैप्टर के अंदर बचती रहेगी भाई तुम्हारी, ठंडे हो जाओ, आगे बहुत सारे चीजें सुनने के लिए, उसके लिए तैयार रहो। यूजी कैन यूज सुकुना कर्स टेक्निक मिजोशी, यूजी अभी श्राइन को यूज कर सकता है, बिकॉज वो अभी यूजी का खुद का पावर है भाई। आगे हम लोग देखते हैं यूजी सुकुना के पैर को पकड़ लेता है और श्राइन के टेक्निक को यूज कर उसको काटने वाला था, बट सुकुना ने क्विकली स्लैशेस सेंड करके यार वहां से बच के निकल गया। फिर यूजी यहाँ तक नहीं रुका, स्लैशेस के थ्रू यूजी भाग के सुकुना की तरफ गया और सुकुना को हिट किया एक और ब्लैक फ्लैश से भाई, 3 नंबर ब्लैक फ्लैश, काउंट करते रहो तुम। आगे सुकुना रियलाइज करता है यूजी के पास सुकुना जैसा सेम कर्स टेक्निक है, बट देयर सम डिफरेंस ड्यू टू एरा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर। सुकुना एकदम से सोचने लगता है यूजी ये सब यूज कर पा रहा है, उसे तो अभी ये सब सीखना स्टार्ट ही किया है, बट जैसे कि यूजी अभी हाल ही में सब कुछ सीख रहे, उसका जो आउटपुट है ना वो बहुत ज्यादा लो है। आगे हम लोग एक और छोटी सी फ्लैशबैक देखते हैं, वहां पर इनो गोजो एंड शोको से परमिशन मांगता है ननामी के ब्लेड को यूज करने के लिए, और गोजो बोलता है तुम इसको यूज कर सकते हो बिकॉज ननामी ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे ही किया है। आगे हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और देखते हैं इनो अपने कर्स टेक्निक को यूज करके एक ड्रैगन का समन करता है और सुकुना के ऊपर अटैक करता है, बट सुकुना इजीली ड्रैगन को काट लेता है और ननामी के ब्लेड को अपने पैर से पकड़ लेता है, बट तब भी जाके सुकुना फील करता है पीछे से यूजी टैटोरी रेडी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हाँ, आगे गेस व्हाट, यूजी टैटोरी हिट्स अनदर ब्लैक फ्लैश ऑन सुकुना, 4 नंबर ब्लैक फ्लैश। सुकुना फैंस काउंट करते रहो भाई। और ये ब्लैक फ्लैश हिट होने के बाद सुकुना एकदम से पागल सा हो गया था, ही वाज लाइक कि भाई यूजी ऐसे ब्लैक फ्लैश को हिट कर रहा है जैसे उसके लिए ये हलवा है। तुम ये सारी चीजों को साइड में रखो ना, पहले मेरे को ये बताओ कि भाई रीजन क्या था,
मतलब सुकुना एंड गेगे के ब्रेकअप के पीछे रीजन क्या था? सडनली ऐसा क्या हो गया भाई कि एक हफ्ते ब्रेक के चलते इतना सब कुछ, इतना इंप्रूवमेंट एंड एवरीथिंग, सुकुना कांट इवन स्टैंड अ चांस ब्रो। दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइज चैप्टर फॉर एवरी सिंगल यूजी टेडोरी फैंस। आगे हम लोग देखते हैं सुकुना पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जहां पर वो लोग खड़े थे, एंड सुकुना यूजी को पंच करने की कोशिश कर रहा था, बट यूजी सुकुना को पकड़ के उल्टा पंच करता है भाई। ये सब देख के सुकुना बहुत ही ज्यादा गुस्से से फटा हुआ जा रहा था, बिकॉज उसका कोई स्ट्राइक, कोई स्लैश यूजी के ऊपर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यूजी जरूरी एक और ब्लैक फ्लैश यूज करता है सुकुना के ऊपर, एंड सुकुना यूजी के फेस को ऐसे पकड़ लेता है, पूरे फेस से ब्लीडिंग हो रहा था, बट अगेन एक और ब्लैक फ्लैश यूज करता है सुकुना के ऊपर भाई। दिस चैप्टर इज नॉट फॉर सुकुना फैंस फॉर श्योर, बिकॉज ये चैप्टर रीड करने के बाद कोई भी सुकुना फैंस टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज एक के बाद एक ब्लैक फ्लैश सुकुना के ऊपर पड़ता हुआ जा रहा है, और सुकुना स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक लेते हुए जा रहा है भाई। ना सुकुना का कोई स्ट्राइक काम आ रहा है, ना सुकुना का कोई स्लैशेस काम आ रहा है। यूजी टेडोरी कंप्लीटली लॉक्ड इन भाई, यूजी टेडोरी कंप्लीटली इनविजिबल बन चुका, एंड दैट्स द पावर ऑफ अवेकेंड यूजी टेडोरी। आगे एक ही चैप्टर के अंदर सुकुना नंबर ब्लैक फ्लैश से हिट होने के बाद बहुत ज्यादा रेज में चला जाता है और चिल्ला के बोलता है यू ब्रैट, बट तब भी उसको इनो भी पेलते ननामी के ब्लेड से, और इतने से टाइम में यूजी टेडोरी ऑन्स अगेन अपने आप को तैयार कर लेता है सुकुना के ऊपर एक और ब्लैक फ्लैश से अटैक करने के लिए, और इनो वहां से बोलता है उसको और जोर से मार। यहाँ पर चल क्या रहा है, पूरा सुकुना कैसा यहाँ से एकदम यहाँ पर आ गया। एक हफ्ते के ब्रेक के अंदर, एक चैप्टर के अंदर सब कुछ चेंज हो गया ब्रो। हियर इटेडोरी यूजी हिट्स 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैशेस ऑन सुकुना, और चैप्टर के एंड में फाइनली एडिटर कमेंट करता है यूजी बिकेम इक्वल टू द किंग एंड सरपास्ड हिम। चलो इट्स डन एंड डस्टेड, यूजी इटेडोरी ने द किंग ऑफ ऑल कर्सेस को सरपास कर लिया है। लास्ट वीडियो का टाइटल था यूजी इटेडोरी सरपास्ड गोजो सातरू, जो सच्ची में किया था, बट इस वाले चैप्टर के अंदर गोजो से पावरफुल सुकुना है, सुकुना को सरपास कर लिया। वाओ, एक हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट। बाकी इसके बारे में तुम लोग बता सकते हो, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तुम लोगों को चैप्टर देखने को मिल रहा है, और ये तो सारे स्पॉयलर्स है। पूरा चैप्टर आने के बाद मेरी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाते, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबा दो, और हाँ ऑफ कोर्स अपना ओपिनियन जरूर बताओ यूजी के डेवलपमेंट के ऊपर। एंड जितने सुकुना फैंस हो, आई कैन फील योर पेन ब्रो, सुकुना इज ऑल्सो माई फेवरेट, बट द मांगा इज ऑल अबाउट शोनन राइट, बट सुकुना ऐसे पेला जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब ऐसे पेला जाएगा भाई, कुत्ते की तरह मार रहा है भाई। सुकुना लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जाके मार रहा है, राइट में जा रहा है, राइट में जाके मार रहा है, किंग ऑफ कर्सेस की अखंड लेवल की बेइज्जती है भाई। चलो बाकी अपना ओपिनियन दे देना, मैं बस हमेशा बोलता था यूजी का खड़ा नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, किसको पता था उसको जब खड़ा होगा ऊपर तक चला जाएगा भाई, इतना बड़ा यूजी का। चलो भाई आज के लिए ये पर रोकते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।